दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हाँ, कहानी का शीर्षक है मूर्ख को कभी उपदेश मत। ये चिड़िया रहती है जंगल में, नदी के किनारे उन्होंने एक पेड़ है बड़ा सारा, तो उसमें घोंसला बना के वो आराम से रहती है, तिनका तिनका चुन के घोंसला बनाती है। ये घोंसला बना रही है और आराम से रह रही है उसके अंदर। तो चिड़िया बंदरों को बोली कि भाई तुम्हारे हाथ पांव होते हुए भी कुछ नहीं करते हो, इसलिए पानी में भी जो बारिश का टाइम था वो बंदर भीजे थे। तो चिड़िया ने उनको बोला कि भाई तुम्हारे हाथ पांव होते हुए भी कुछ नहीं करते हो, इसलिए तुम पानी में भीज रहे हो, हमारे चोंच होते हुए भी हम आराम से अपना घोंसला बना के रहते हैं। तो बंदर को गुस्सा आया कि चिड़िया अपन को चिढ़ा रही है, अपन की मजाक कर रही है। जैसे ही बारिश रुकी तो बंदर पेड़ की ऊपर चढ़ गए और सारे घोंसले तोड़ दिए, फेंक दिए। चिड़िया वापस आई तो अपन ने मूर्ख को उपदेश दिया, मूर्ख को बताया, इसलिए अपन का ये चिड़िया के घोंसले सब टूट गए, बच्चे मर गए। तो हंस कहता है बुगले से कि भाई मूर्ख आदमी को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। चिड़िया फिर बाद में वापस अपना तिनका तिनका चुन के घोंसला बनाया और फिर आराम से रहने लगी।